हेलो व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी रोमैटिक फीवर। रोमैटिक फीवर क्या है? इट इज़ ड्यू टू इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। यानी कि ये कहता है कि रोमैटिक फीवर वो है जिसमें हमारी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी, जो हमारी इम्यूनिटी का रिस्पॉन्स होगा, किसके खिलाफ? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के खिलाफ जब होगा। कैसे ये हमें रोमैटिक फीवर क्यों खास होता है इसके देखते हैं। एंटीबॉडीज फॉर्म अगेंस्ट बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। जो एंटीबॉडीज हमारी बॉडी सिक्रिएट करेगी किसके खिलाफ? बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। क्रॉस रिएक्ट विद डिफरेंट टिश्यूज ऑफ बॉडी स्पेशली ऑफ हार्ट। यानी कि वो क्रॉस रिएक्ट, यानी कि अपने ही जो टिश्यूज होंगे उनको रिएक्ट कर देंगी, स्पेशली हार्ट को, बिकॉज दे कंटेन एंटीजन विच आर सिमिलर टू एंटीजन ऑफ बीटा। यानी कि कहता है कि जो हार्ट के एंटीजन है वो स्ट्रेप्टोकोकाई के साथ सिमिलरिटी रखते हैं, इस वजह से हार्ट के ऊपर ये एंटीजन हमारे बॉडी का ही अटैक कर देगा एंड काज देयर डैमेज, और ये डैमेज काज करे। रोमैटिक फीवर यूजली अकर 10 to 15 days आफ्टर फरिंजाइटिस। यानी कहते हैं कि ये होगा कब? 10 से 15 दिन बाद होगा। किसके? फरिंजाइटिस। फरिंजाइटिस सोर थ्रोट, यानी कि जो फरिंजाइटिस फरिंग्स है उसका जो इन्फेक्शन होता है, सोर थ्रोट या गले के जो इन्फेक्शन होते हैं उसके 10 से 15 दिन के बाद ये काज होगा, क्योंकि ये बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के लिए ये जो इन्फेक्शन काज करेगा फरेंजाइटिस, उसके लिए ये जो हमारी बॉडी है वो एंटीबॉडी सिक्रिएट करेगी, और वो एंटीबॉडीज 10 से 15 दिन बाद जब ये इन्फेक्शन कम हो जाएगा तो ज़्यादा हमारी बॉडी में पाई जाएंगी, जिसकी वजह जो जाके हार्ट के ऊपर अटैक कर देंगी और हमारे अपने ही जो बॉडी का ऑर्गन है उसको डैमेज काज करना शुरू कर देंगी, और हमें रोमैटिक फीवर काज होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा।